पाव पोल बोल दिया। एक्चुअली हम अभी कुछ एक मेरा मेरा पर्सनली चीज काम क्लियरिफिकेशन देने के लिए हम भी आज ये लोग का साथ जुड़ा हुआ है। नंबर वन, ये कागज को हम बाद में आप लोगों को दे देगा, ये हमारा कैपिटल एसपी का तरफ से दिया गया है। ये उस दिन इशू किया गया जिस दिन हम पासीघाट जुडिशियल में था और 9 तारीख से मेरा एग्जाम शुरू हो रहा था लॉ कॉलेज का, हिमालयन यूनिवर्सिटी का। तो हमारा तरफ से मेरा एडवोकेट बेल अप्लाई करता है, तो बेल अप्लाई कर जब किया है तो अरुणाचल लॉ स्टूडेंट यूनियन अलसु लोग एक मेमोरेंडम देता है डीसी तालो पुतुम को। तो डीसी तालो पुतुम क्या करते हैं, वहां से मेरा मेमोरेंडम को, अलसु का मेमोरेंडम को एसपी को प्रवाद करता है। तो वहां से एसपी एक एक कागज देता है, यहाँ में एक आप अभी रीड कर देगा, मेरा तो इतना पॉइंट नहीं है, अभी एक रीड कर देगा। नंबर वन, वो उसने बोला हमको, नंबर वन जैसे कि मैं तना तमर, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ आम आदमी पार्टी यूनिट ऑफ द स्टेट कैपिटल एसपी साहब। शायद आपका भी गलती होता होगा, या तो आपको जो इनपुट देता है जो एसबी लोग है वो आप लोग का ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है। जनता को मैं क्लियर बोल रहा हूं, मैं कोई आम आदमी पार्टी का प्रेसिडेंट नहीं हूं। हम एसपी कैपिटल को चैलेंज करते हैं, अगर आप हमको आम आदमी पार्टी का अगर प्रेसिडेंट बनाया, आप हमको अपॉइंटमेंट लेटर लाके दिखाए, आप मेरा बेल को रुकाने के चक्कर में आप हमको बदनाम करने के लिए हमको आम आदमी प्रेसिडेंट घोषित किया, आप रिटर्न में दिया है मेरा साथ। इसको मैं बाद में हम लोग का पूरा कोर्ट का काम खत्म होने के बाद आपको मैं मेरा एडवोकेट से बात करेगा। अभी कैपिटल में एसपी कौन है वो तो हम पता नहीं है। उसके बाद नंबर टू, हमको बोला कि ही इज वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर ऑफ 72 आवर्स बंद कॉल 10 to 12, ये 10 से लेके 12 तक तो हमको मेन ऑर्गेनाइजर बोला गया एसपी जो मेरा बेल को रिजेक्ट करने के लिए, ये नंबर टू। और नंबर थ्री, ही इज ए नोटोरियस एलिमेंट विथ क्रिमिनल केस रजिस्टर अगेंस्ट एज वुमेन पीएस ईटानगर। मैं जनता को बता दूं, हाँ मेरा से कुछ आर्गुमेंट हुआ था 3 साल पहले, कुछ मेरा रिलेटिव का केस था, 3 साल पहले आर्गुमेंट हुआ था वुमेन पीएस का साथ, लेकिन उसको भी हमको यहाँ में मेरा नाम को बदनाम करने के लिए, ये मेरा बेल को रिजेक्ट करने के लिए एसपी साहब उसको भी यहाँ में मेरा केस का रजिस्टर को भी यहाँ डाल दिया। एसपी साहब को मैं ये बता दूं, मेरा सिर्फ ये केस नहीं है, मेरा सिर्फ ये केस नहीं, मेरा और बहुत केस है। वो हम चोरी करके केस नहीं बनाए हैं, जो भी केस है हम करप्शन को लड़ने के लिए किया था उसमें हम लोग को केस बनाया गया है। ये भी आर्गुमेंट का केस है, ये कोई मोलेस्टेशन नहीं है, किसी वुमेन पीएस का साथ नहीं है। आपको मैं बता दूं, उस दिन भी मैं क्लियर कट बोला था, मेरा कैरेक्टर इतना गिरा हुआ नहीं है कि यहाँ का वुमेन लोगों, लड़की लोगों, अरुणाचल लड़की लोगों को हम यहाँ मोलेस्टेशन करके घूमेगा, यहाँ वगैरह वगैरह करके घूमेगा, मेरा कैरेक्टर इतना तक गिरा हुआ नहीं है। आपको क्लियर कट बता दूं, मेरा पास पासपोर्ट भी है थाईलैंड जाने के लिए, और इतना भी कमजोर नहीं कि हम थाईलैंड नहीं जा सके। अगर हम कैरेक्टर दिला है बोलने से भी, हम थाईलैंड जाके जहाँ सेक्स लीगलाइज है वहां जाके हम वुमेन को मोलेस्टेशन करेगा, ये आपको मैं क्लियर कट बता रहा हूँ। उसके बाद ही वॉज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ फेब्रुअरी बंद कॉल फॉर लार्ज स्केल डेमेज टू प्रॉपर्टीज ऑल थ्रू आउट आईसीआर, मेनी केसेस आर रजिस्टर्ड। भाई ने अभी अभी बताया, चीफ मिनिस्टर का मैं विटनेस था, चीफ मिनिस्टर खुद तलक नालो तेजीपुर और हम लोगों को बोला कि वहां एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगा, वो लोग का सीएम का, उसमें बोला गया था कि जो भी हुआ आप लोग अच्छा काम किया, आप लोग अगेंस्ट में कोई केस रजिस्टर नहीं होगा, आप लोग बेफिक्र रहिए और सीबीआई को कोऑपरेट कीजिए, ईडी को कोऑपरेट कीजिए। ऐसे बोलने के बाद पेवारी का केस को हम लोग को अभी सीएम खुद बाधा किया था, लेकिन उसने ऐसे करके आज हम लोग का ऊपर में 9 9 10 10 केस रजिस्टर करके रख दिया। अभी हम लोग 10 10 केस का पीछे दौड़ मार रहे हैं, हम लोग सब लोग मिलकर। उसके बाद ही इज ए मिसचीफ बाय नेचर एंड इफ रिलीज ही वुड कंटिन्यू टू हैम्पर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ द स्टेट। एसपी साहब देखिए, आप हम आपको फिर से बोल रहे हैं कि आपका यहां में जो जो लिखा है 50% सही है और 50% गलत है। नंबर वन, मैं आम आदमी प्रेसिडेंट नहीं हूं, उसको आप क्लियर क्वेश्चन बाद में देना पड़ेगा, वो मेरा पर्सनल बात है और वो हम पर्सनली आपको बात करेगा। और कुछ, ये मेरा पर्सनल व्यू है, कुछ यूनियन का लीडर लोग है, कुछ यूनियन का लीडर, अरुणाचल स्टूडेंट यूनियन का लीडर लोग है, आपको मैं मीडिया के माध्यम से बता रहा हूँ। आप लोग देखिए, हम लोग को एरा घेरा यूनियन कोई भी आके नेता बन जाएगा वो सब मत बोलो। तुम पैसा देके लीडर बना है, हाँ मालूम है, तुम समझ जाओ, तुम पैसा पे के लीडर बना है और हम लोग बिना पैसा में, हम लोग आज अरुणाचल का आदमी जनता 80% हम लोग प्यार करते हैं, हम लोग पैसा पे के यहाँ में नहीं पहुंचे हैं।
हम लोग प्यार से पहुंचा है, और तुम जो बोला है ना, हम नाम लेना नहीं चाहता है, तुम बोला है कि हम लोग एरा गेरा ग्रुप से ना, एरा गेरा ग्रुप से है, हम लोग पैसा पे के लीडर नहीं बनाए, और पैसा पे के लीडर बनने लगा तुम है, तुम थर्ड क्लास, दुनिया का सबसे थर्ड क्लास स्टूडेंट लीडर होता होगा, हम नाम नहीं लेगा, समझ जाओ, तुम दोबारा मजबूर मत करो हम लोग को नाम लेने के लिए, इसलिए बोलने से पहले हजार बार सोच लो कि हम लोग को एरा गेरा बोलने के लिए, तुम मालूम नहीं है क्या हम लोग भी कहां से बिलोंग करते हैं, मालूम नहीं है क्या तुम, अगर ऐसे हम लोग को एरा गेरा पालतू ग्रुप है यूनियन, ये हम लोग कल भी लड़ेगा, परसों भी लड़ेगा, लड़ते रहेगा, लेकिन अनलॉफुल एक्टिविटीज हम लोग भी नहीं कर रहे एज ए लो स्टूडेंट, हम लोग भी नहीं चाहते ऐसे करने के, लेकिन हम लोग इसको, ये इश्यू को कभी बैकफुट नहीं होगा, हम लोग लड़ते रहेगा, उंगली सीधा करो या टेढ़ा करो, हम लोग ये इशू को लगते रहेगा। थैंक यू वेरी मच।